हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम मेहरोत्रा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम वैंकूवर से टोरंटो ट्रैवल करने वाले हैं और काफ़ी चीप फ्लाइट्स और पूरा ट्रिप बहुत चीप होने वाला है। तो जुड़े रहें वीडियो के एंड तक, मैं सब बताऊँगा कि कितने की मैंने फ़्लाइट ली, कैसी ली। और ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी के साथ, जिसे आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा क्रिसमस वाली में, और अगर नहीं देखा तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, देख लेना। और ये मेरा एक फ्रेंड है प्रणय, जिसे मैं यूनिवर्सिटी से जानता हूँ, 5-6 साल हो गए हैं साथ में आए थे हम यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया। तो कुछ कहना है? नहीं कुछ। तो गाइस, टोरंटो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। ये नंबर 1 कैरोसेल पे हमारा अभी बैगेज आएगा, तो वो हमने उठाना है और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। हम एक्चुअली चले थे, हमारी फ़्लाइट थी सुबह 10 बजे की, जो कि डिले हो गई थी, तो हम 11:30 चले थे और हम यहाँ पे अराउंड 6:15 पहुँच गए थे टोरंटो में। तो जो फ़्लाइट की डील थी वो हमें बहुत अच्छी मिल गई थी। हम एक्चुअली फ्लेयर एयर से आए हैं और हमारी टिकट सिर्फ $50 की थी वन वे, विच इज़ वेरी लेस, क्योंकि अगर आप कोई एयर कैनेडा या वेस्टजेट टाइप टिकट लेते हो तो वो वन वे अराउंड $150 से $300 तक कहीं भी पड़ सकती है। एक कैच ये था कि ये वैंकूवर से नहीं फ्लाई करती है, एबटफोर्ड से फ्लाई करती है, जो कि अराउंड 40 मिनट ड्राइव है फ्रॉम वैंकूवर। तो अगर आप लोग को वैंकूवर टू टोरंटो आना है या टोरंटो टू वैंकूवर जाना है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप फ्लेयर एयर लें, एबटफोर्ड तक जाएँ या वहाँ से चलें और फिर आगे वैंकूवर ड्राइव करें, बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा। तो गाइस, नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग बहुत थके हुए थे, तो एयरपोर्ट से हम आए डाउनटाउन, हमने खाना खाया और सीधा हम सोने चले गए, काफ़ी टायर्ड थे। और बस अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, एक्चुअली आफ्टरनून हो चुकी है, थोड़ा देर से उठे थे हम। तो मैं जैसे बता रहा था, फ्लेयर एयर बहुत चीप पड़ती है, $50 वन वे तक की टिकट मिल जाती है वहाँ पे। एक कैच ये होता है कि बैगेज के आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि कनाडा में हर एयरलाइन में देने पड़ते हैं चेक्ड इन बैगेज के, बट आपको कैरी ऑन के भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, अराउंड $40 तक होता है वो। बट एक पर्सनल आइटम फ्री अलाउड होता है ले जाना, जो कि मतलब एक बैग पैक या कोई पर्स हो गया। तो अगर आप पे ज़्यादा लगेज नहीं है और आपको सस्ते में टोरंटो टू वैंकूवर ट्रैवल करना है या कनाडा में कहीं भी बड़ी सिटीज़ में ट्रैवल करना है, तो आप फ्लेयर एयर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लाइट कैसी लगी तुझे फ्लेयर एयर की? अच्छी थी बट बहुत अनकंफर्टेबल, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन अब $50 दिए, अब क्या चाहिए, लग्जरी थोड़ा होगा। या फ्लाइट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, एक तो सीट्स बहुत ही वियर्ड था, बटन थे सीट्स में रिक्लाइन करने के लिए बट वो फिर भी रिक्लाइन नहीं होती थी। खाना फ्री नहीं था, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में कनाडा में नहीं होता है फ्री, तो उसमें ऐसे कुछ अनयूजुअल नहीं था। बट कॉफ़ी और जूसेस फ्री होते हैं, बट वो भी फ्री नहीं था। बट आई मीन अब $50 दिए हैं सिर्फ, तो कितना लूटोगे एयरलाइन को? नहीं बट इंडिया में डोमेस्टिक में भी उन लोग वो पीनट्स या स्नैक्स तो दे ही देते हैं, बट इंडिया में फिर $50 की टिकट नहीं होती ना। तो अभी हम बस एक ब्रंच प्लेस जा रहे हैं यहाँ डाउनटाउन में ही, आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम भी जाके खाते हैं, सुबह से खाया नहीं है कुछ। तो ट्राई करते हैं स्ट्रॉबेरी चीज केक फ्रेंच टोस्ट विद सम व्हिप क्रीम। कैसा? अच्छा, ज़्यादा मीठा नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा मीठा होगा चीज केक की तरह, बट ओह नाइस। तो गाइस, ब्रंच हो गया है, बहुत ही टेस्टी था खाना यहाँ पे, और बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, एक्चुअली बारिश तो हो नहीं रही है यहाँ पे वैंकूवर की तरह, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे कैसा लग रहा है यहाँ का वेदर?
टू बी ऑनेस्ट वैनकूवर से तो बहुत ज़्यादा बेटर है वेदर, बारिश तो नहीं हो रही एटलीस्ट, और इट वाज सनी एंड अभी थोड़ा ग्लूमी टाइप्स हो गया, पर ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा. या आज थोड़ा सा ड्रिजलिंग दिखा रहा था बट हो नहीं रही अभी बारिश थैंकफुली, बट कल तो धूप निकलने वाली है तो काफी अच्छा होगा कल का दिन. और अभी हम आ गए टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर और यहीं पे सब लोग पैसा बनाते हैं. पैसा छापते हैं बाबू भैया. 25 दिन में करोड़पति. और गाइस ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स में सूट्स शो देखा होगा तो उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है. वो देख उस बिल्डिंग के सामने, ये सूट्स वाली बिल्डिंग के सामने ही टोरंटो का घंटाघर भी है. तुम्हारे मुंबई में होता है घंटाघर? अभी हम नेथन फिलिप्स स्क्वायर आए हैं, आप पीछे देख सकते हैं वो टोरंटो का साइन है. और विंटर्स में यहाँ पे ये जो रिंक है ये जम जाता है और यहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं लोग. और काफी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आइस स्केटिंग फ्री होती है, लोग अपने खुद के स्केट्स ला सकते हैं और फ्री कर सकते हैं. बट हमारे पास तो स्केट्स नहीं है तो यहाँ पे रेंट भी करते हैं एक्चुअली. तो अभी हम जाके पूछते हैं कि अभी वो खुला है कि नहीं, और अगर खुला है तो उसका रेट क्या है, और अगर खुला होता है तो हम भी स्केटिंग कर ही लेते हैं जब आए यहाँ. तो गाइस आप पीछे देख सकते हैं स्केटिंग हो रही है और हमने ढूंढ लिया है रेंटल शॉप, यहाँ पे सामने ही उसके स्केट्स मिल रहे हैं. तो अभी जाके हम पता करते हैं और अपने लिए लेते हैं स्केट्स. स्केट्स हमने ले लिए हैं, यहाँ का जो रेट है वो था $15 टू आवर्स का, और टू आवर्स से कम आप ले नहीं सकते, तो मिनिमम मतलब $15 आपको स्पेंड करना ही पड़ता है. और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो, अगर आपका साइज सेम है तो आप शेयरिंग में ले सकते हो, जो कि चीप था अराउंड $10 के आसपास. तो आप मल्टीपल लोग वो सेम स्केट से स्केटिंग कर सकते हैं, बट उसमें ये चीज़ है कि आप लोग साथ में एक टाइम पे नहीं कर पाओगे. गिरेगी कोई बात नहीं, मैं भी गिरूंगा, गिरेंगे तो उठ जाएंगे, उसमें क्या है. चलो अब हम स्केटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत गिरते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, हमें लगा कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए जो खर्चे हैं स्केट्स पे, क्योंकि बारिश में नहीं कर पाते. बट बहुत अमेजिंग है, लाइटिंग बहुत अमेजिंग है, बहुत फन है, वर्थ है $15 स्केटिंग के. इतना ज़्यादा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट $15 आई मीन या लोकेशन के और एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा नहीं है $15. बट अगर आप पे खुद के स्केट्स है, आप अपने स्केट्स लाओ और फ्री में स्केटिंग करो. चल भगा धूम मचा ले, जैसे ऋतिक रोशन था ना धूम में, धूम टू. तो हमें इन लोगों ने अभी सभी को, सिर्फ हमें नहीं, रिंग से बाहर निकाल दिया. ये लोग ना कुछ टाइम बाद आइस साफ करते रहते हैं, रिंग साफ करते रहते हैं ताकि वो स्मूथ रहे, ज्यादा रफ ना रहे और लोग स्केटिंग कर पाए. ये लोग पोछा टाइप मारते हैं नेक में ताकि वो ज़्यादा स्मूथ रहे. और आप देख सकते हैं जो उसने रो करी है वहाँ पे कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, साफ पता चल रहा है कितना उसने साफ करा है. तो गाइस स्केटिंग हम कर चुके हैं, बहुत मज़ा आया था. और जितना ये ब्यूटीफुल है रियलिटी में लाइटिंग के साथ ये एरिया, उतना कैमरा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. और बस आज की वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं. हमारा एक्चुअली NBA का गेम देखने का प्लान है, रैप्टर्स वर्सेस बक्स.
अभी रात को, बट वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी अगर वो भी आज डाले तो, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को ये कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। और अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट NBA गेम होगा जो मैं स्टेडियम में जाके देखूंगा। हाँ, हम दोनों का बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और होपफुली रैप्टर्स जीत जाएगी वो गेम। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।